इस देश में सेंटा कर क्या रही है बताओ सबसे पहले। कोई अपने बच्चों को 25 तारीख को सिख समाज से ज्यादा कर निवेदन है गुरु गोविंद सिंह बना करके और किरवान कृपान और तलवार दे करके स्कूलों में भेजना 25 तारीख को। और अगर इसी देश से सेंटा भागता हुआ नजर नहीं आया तो मेरा भी नाम भी कट। जय श्री राम। सेंटा में बहुत कुछ खराबी है भाई साहब। कूबना है अपने बच्चों को सेंटा। ये 4 किलो में ये सिखाएंगे अपने बच्चों को हम लोग। ये राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि है, इसमें सेंटा है क्या मतलब है? यहाँ पर सेकुलर है तो अपने बच्चों को क्रॉस पहना के घुमा, फिर घुमाओ वहाँ पर चर्चों में जाकर। एक नहीं दो नहीं कई कई फादर बनाओ जाके, क्योंकि तुम अपने बच्चों के फादर नहीं बन पाए। 500 रुपए खर्चा करके सेंटा बनने से अच्छा है 50 रुपए का फेंटा पीजिए और चिल रही है। सेव वाटर होली पे, फिर क्या है डू नॉट बस्ट क्रैकर, ठीक है ना। अब एक भी यहाँ पे कोई पटाखे चलाते हुए दिखा यहाँ पे तो फिर लठ जो है सनातनियों तैयार रखना उसके लिए। भाई साहब छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे देश में लड़े और अपनी कुर्बानियां दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी है, अपनी माता बहनों की कुर्बानियां दी है, तब जा करके ये देश आजाद हुआ है। इस देश में सेंटा कर क्या रही है बताओ सबसे पहले। कूब बनाए सेंटा अपने बच्चों को, छत्रपति शिवाजी बनाओ, गुरु गोविंद सिंह साहब बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, कूब बना रहे हो अपने बच्चों को योद्धाओं के बारे में बताओ। अपने बच्चों को टीका लगा करके रोज भेजने की शक्ति हम भी रखते हो स्कूल में, रोज टीका लगा के भेजते हफ्ते मंगलवार वाले दिन और भगवा उड़ा करके अपने बेटे को स्कूल भेजता हूँ मैं। रिकॉर्ड किया जाएगा सेंटा का भी। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। सारे बोलो भारत माता की जय और भाई गुरु का खालसा भाई गुरु की फतेह। भाई देखो सुनो, 25 तारीख आ रही है, कोई भी सनातनी, कोई भी सिख, कोई भी जैन, मैं कह रहा हूं कोई भी अपने बच्चों को सेंटा ना बनाए, क्योंकि ये जो सेंटा वाले हैं ना ये अपने बच्चों को राम और कृष्ण नहीं बनाते, ये गुरु गोविंद सिंह साहब नहीं बनाते, ये राजगुरु भगत सिंह नहीं बनाते। भाई साहब ये केवल ऑफ केवल इस देश के अंदर बहुत तेजी से, जैसे पंजाब का भी एक आंकड़ा आया 18% पंजाब के अंदर इन लोगों ने क्या कर दिया है, धर्म परिवर्तन, समझे भाई साहब, धर्म परिवर्तन इन्होंने अभी 18% पंजाब के अंदर कर दिया है। और ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री जो भी बने बैठे हैं दारू पी करके बोलने वाले, ठीक है जी, ये चुप और ये मौन बैठे हुए हैं क्योंकि इनके भी घर के एक आधे क्रिश्चियन बन गए होंगे। और अब मैं उन बुद्धिजीवियों को देख रहा हूँ कि वो बुद्धिजीवी जो दिवाली और होलियों पे और हमारे दीवारों पे आते हैं कहते पटाखे मत फोड़ो, होली मत मनाओ, तो क्या बनाए भाई, तुम्हारी जो जयचंदों की जो और अंग्रेजों की जैसी औलाद जो क्लब डिस्को में नाच रही है, अपनी अपने धर्म के लोगों को मगर क्लब डिस्को में भेजे हम लोग। कोई भी भारत के अंदर हिंदू माता और पिता अपने बच्चों को 25 तारीख को सेंटा नहीं बनाएंगे। हम लोगों की सनातनियों की ये अपील है क्योंकि ये देश, ये हिंदुस्तान, ये भारत अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी ऐसे त्योहारों को नहीं बनाना है जिन त्योहारों से हमारे देश की संस्कृति पर खतरा हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो अभी अभी टिप्पणी भी करने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि क्रिसमस डे बनाओ दबा करके। ये सब लोग कौन हैं जो कह रहे बनाओ? ये सब वही लोग हैं जो हमारे त्योहारों पे उंगली उठाते हैं। और मैं कट्टर हिंदू सनातनी होने के नाते दोबारा कह रहा हूँ, मेरी अपील है, अपील और ये जितने भी सनातनी भाई खड़े हैं उनकी भी अपील है कि 25 तारीख को कोई भी सेंटा क्लॉज अपने बच्चों को नहीं बनाएगा, कोई भी क्रिसमस नहीं बनाएगा, कोई भी न्यू ईयर नहीं बनाएगा। क्योंकि देखो 7 दिन या 6 दिन तक, 6 से 7 दिन तक एक जंग लड़ी गई थी जिसमें 3 या 5 प्यारे शहीद हो गए थे। हमारा तुलसी दिवस मनाओ, गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारे शहीद हुए थे, उनका त्यौहार उनके संग सेलिब्रिटी करो। अपने बच्चों को भगत सिंह बनाओ, राजगुरु बनाओ, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह साहब बनाओ, कृष्ण बनवाओ उस दिन और स्कूलों में भेजो। और जिस स्कूल में अगर सनातनी बच्चों पे अगर दबाव बनाया गया तो वो स्कूल भारत के अंदर सारे के सारे स्कूल विरोध के लिए भी तैयारी कर लेना। सेंटा में बहुत कुछ खराबी है भाई साहब। कू बना अपने बच्चों को सेंटा। ये 4 किलो में ये सिखाएंगे अपने बच्चों को हम लोग। ये राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि है, इसमें सेंटा है क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे विदेशों में होली दिवाली बनाई जा रही है क्या स्कूलों के अंदर? हैं हमारे जो विदेशों के अंदर जहाँ पर इनकी इनकी कंट्रियाँ हैं
उन कंट्रियों के अंदर क्या हमारी जन्माष्टमी बनाई जाती है? सवाल ये है, क्या ये लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं अपने कंट्रियों में? हमारी कंट्री में इनका क्या मतलब है? इनके क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, हम ये चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, चाहे सरकारी में पढ़ो, किसी में ही पढ़ो, लेकिन क्रिसमस डे नहीं बनाना। मेरे को आती है सीधी बात, कल्चर है ये तो। भाई साहब सुनो, कल्चर किस बात का? जबरदस्ती टेकेंगे क्या? कोई जबरदस्ती है क्या? एक फादर घर में और एक फादर स्कूल में, दो दो फादर बनवाएंगे क्या? आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? जबरदस्ती है मिलेगा। देखो सुनो मेरी बात, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी भाई साहब, पढ़ा तो हम भी रहे, लेकिन अपने बच्चों को टीका लगा करके रोज भेजने की शक्ति हम भी रखते हो स्कूल में। रोज टीका लगा के भेजते हफ्ते मंगलवार वाले दिन, और भगवा उड़ा करके अपने बेटे को स्कूल भेजता हूँ मैं विजय कट्टर हिंदू। भैया सुनो, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर हमारी ये बात अगर आपको समझ आती हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना कि इस देश के 110 करोड़ सनातनियों तक पहुंचे ये बात। क्योंकि देखो वो लोग टोपी और दाढ़ी वाले कभी भी अपने बच्चों को सेंटा नहीं बनाते, केवल सनातनी ही बनाने में लग रहे हैं। सनातनियों को रगड़ा लगा है माथे पे, वो कब्रों पे मत्था टेकना, सेंटा बनाना, ये सनातनियों का ही भूत चढ़ा हुआ है। जबकि अब की बार भारत के अंदर और दिल्ली NCR में 38 कबर खोदी गई और 38 मदरसों, उसमें से क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, मजार में से हड्डियां भी पता नहीं किसकी निकल रही है। आदमी की तो हड्डियां थी ही नहीं, कुछों में तो हड्डियां भी ना मिली, कहां मत्था टेक रहे थे आप लोग। मैं अभी भी हाथ जोड़ करके सबसे कह रहा हूं, कोई अपने बच्चों को 25 तारीख को सिख समाज से ज्यादा कर निवेदन है गुरु गोविंद सिंह बना करके और किरवान कृपान और तलवार दे करके स्कूलों में भेजना 25 तारीख को। और अगर इसी देश से संटा भागता हुआ नजर नहीं आया तो मेरा भी नाम विजय कट्टर, जय श्री राम। अपने बड़े बूढ़ों पूजो, अपने धर्म गुरुओं को पूजो, अपने बच्चों को बताओ योद्धा कौन थे, गुरु गोविंद सिंह साहब कौन थे, पांच प्यारे कौन थे, उनके बारे में आप लोग बताओ कि पांच प्यारे कैसे बलि 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 पर चढ़ा दिए, किन्होंने चढ़ाए बलि पर? हाँ जी, विद्या मंदिरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हो? गवर्नमेंट स्कूल को देखो जी बढ़ रही है, देखो जी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन जनता को समझने की बात है। एक होता है हमारे देश में जिहाद, जो कहते हैं कि ये 80% और हम 20%, सुना है ना 15 करोड़ 100 करोड़, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये वो लोग हैं जो खुल के नहीं आते, इन्हें पहचान लो, ये खुल के नहीं आते। दिस इज कॉल्ड साइलेंट जिहाद। ये साइलेंट जिहाद करने वाले लोग हैं, जो आपने सुना होगा कि अंग्रेज हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा गए, मुसलमानों को हिंदुओं से। यहां का मुसलमान सच्चा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो शोषित था, वो पीड़ित था। सुन ले वो भी कान खोल के, उसने भी तलवार की नोक पर सलवार पहनने का काम किया था, और उसके ये बड़े भाई यहाँ खड़े हैं और हम कह रहे हैं हम थरी गेल खड़े हैं, तुम अपनी घर वापसी करो। साइलेंट के हाथ में हिस्सेदारी किसकी ज्यादा है, किसके ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है महाराज, जब थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसकी आज तक तुम शिक्षा नीति पे आज तक पढ़ाई करते आ रहे हो, और जिसके दिए हुए विधि विधान को, कानून IPC 1860 ठीक है, उसके अनुसरण करते हुए आ रहे हो, और उसी कानून की कमजोरी का आए दिन उदाहरण आपको मिलता है कि कहीं किसी बेटी के साथ दुराचार हो गया, कहीं किसी भाई की हत्या हो गई, किसी के साथ गरीब को अन्याय हुआ, उसको न्याय नहीं मिला। अरे अगर ये इतने पढ़े लिखे थे तो इनका कानून इतना मजबूत क्यों नहीं था? क्योंकि कानून मजबूत केवल राम राज्य का है, राम राज्य का कानून सबसे मजबूत है। जो धर्मी है, जो महिलाओं के प्रति देश भावना रखता है, उसे सृष्टि में रहने का कोई अधिकार नहीं। देखो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो देश के अंदर ढोंग और पाखंड की बात करते हैं, आज 25 दिसंबर के अंदर वही सबसे ज्यादा पाखंड करने का काम करेंगे। क्या है संता? ये संतों की भूमि है, संटा वंटा की भूमि नहीं है। जो संटा बनाने की बात कर रहे हैं और जो ईसाई सभ्यता को हमारे बच्चों के मस्तिष्क में थोपने का कार्य कर रहे हैं, उनसे स्पष्ट एक बात है, ये ऋषियों की भूमि है,
यहाँ पर केवल राम राज्य का काम होगा। आपको आपकी धार्मिक या जो भी मजहबी आपकी स्वतंत्रता है उससे कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हमारे बच्चों को जो कर नहीं बनाएंगे, ये पाखंड हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग केवल सनातन को टारगेट करते हैं और ये जोकर बनाकर ये जो पाखंड हमारे बच्चों के बीच में फैला रहे हैं ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पाखंड को बिल्कुल भी सेकुलर है। तो अपने बच्चों को क्रॉस पहना के घुमा, फिर घुमाओ वहाँ पर चर्चों में जाकर, एक नहीं दो नहीं कई कई फादर बनाओ जाके, क्योंकि तुम अपने बच्चों के फादर नहीं बन पाए, तुम अपने बच्चों के फादर नहीं बन पाए, लेकिन अपने बच्चों को कई प्रकार के फादर दोगे। हाँ तो फादर नहीं बनेंगे तो मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना कि राम मंदिर और अयोध्या के लिए कि दीपक क्यों जला रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ही संदेश है कि 25 तारीख तुलसी दिवस का पूजन होता है, ना कि कोई प्लास्टिक के पेड़ों को पूजने का। और पूरे विश्व के अंदर 25 दिसंबर क्रिसमस के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीनों पे से पेड़ों को काटने का काम किया जाता, तब नहीं दिखता है क्या? क्या भारत के अंदर अगर एक हम लोग सनातनी अपनी दिवाली मनाएंगे तो ये लोग मर जाएंगे धुएं से, लेकिन ये लोग जब पेड़ों को लाखों हेक्टेयर में काटने का काम कर रहे हैं, तब कोई देश के अंदर, कोई दुनिया के अंदर कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होगी तो भारत के अंदर सनातनियों के त्योहारों में नहीं मनाएंगे हम लोग कोई क्रिसमस। हमारे बच्चे जोकर नहीं बनाए जाएंगे, जिसको अपना बनाना आप बनाओ, लेकिन हमारे बच्चों की मानसिकता को कोई भी बरगला नहीं सकता है और ना ही बहला सकता है, क्योंकि ये संतों की भूमि है। स्कूलों में सारे त्योहार मनाए जाते हैं, स्कूलों में सब मनाया जाता है। देखिए सारे त्योहार मनाए जाते हैं तो सारे त्योहार सारे नहीं मनाएंगे, जो जिसका त्योहार है वो मनाएगा, हमारे ऊपर नहीं थोपा जाएगा। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, हमारा ये संता और बंटा से कोई लेना देना नहीं, हमारा गुरु गोविंद साहब जी से लेना देना है। दिवाली नहीं बनाएंगे वो कब मनाते हैं? मनाते कब है आप बताओ ना? आप सेकुलरता की बात कर रहे हो ना, अभी बताओ ना, अभी जो बोल रहे थे कितनों ने आके हम लोगों को हैप्पी दिवाली बोल दिया, कितनों ने आके बोला? हमसे तो बोलते नहीं है और हमसे बुलवाने की उम्मीद रख रहे हैं, कभी नहीं। हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को फॉलो करेंगे और उसके सिवा कोई आडंबर, कोई पाखंड को, कोई संटा और कोई बंटा हमारे जीवन के अंदर नहीं कुछ लाएगा। सवाल बताइए पत्रकार, सवाल सुनिए। 25 दिसंबर को बायकॉट करेंगे, फिर 1 जनवरी को करेंगे, किस किस को बायकॉट करेंगे आप? सबको देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर शराब पीकर हो हुल्लड़ और नंगपने का नाच करना हो तो जाइए, आप समर्थन कीजिए, आपको किसने रोका है? आप स्वयं के जिम्मेवार है, स्वयं की अभिव्यक्ति आपकी, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर नहीं थोपा जाएगा कोई भी त्योहार। ये स्कूल प्रशासन भी तय कर ले और सोच ले, हम अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस देते हैं ना कि जोकर बनाने की फीस देते हैं। अगर आप लोग हमारे बच्चों को, अगर कृष्ण जन्माष्टमी और हमारे त्योहारों पे उनको बनाने का सीख नहीं दे रहे हैं तो हमारे बच्चों को हम स्वीकार नहीं होने देंगे एक दूसरे को भड़का रहे हैं। आज 25 दिसंबर की बात हो रही है ना, आज से 25 दिसंबर नहीं है, 31 जनवरी पहले तो वो, मैं आज उन जो कहते हैं ना बुद्धिजीवी जो कहते थे ना सेव वाटर होली पे, फिर क्या है डू नॉट बस्ट क्रैकर, ठीक है ना। अब एक भी यहाँ पे कोई पटाखे चलाते हुए दिखा यहाँ पे तो फिर लठ जो है सनातनियों तैयार रखना उसके लिए। देखिए पत्रकार महोदय, 500 रुपए खर्चा करके सेंटा बनने से अच्छा है 50 रुपए का फेंटा पीजिए और चिल रही है। आप देखिए फेंटा का बहुत अच्छा ऐड आता है, 50 रुपए का फेंटा पीजिए और मूड रखिए टिंग डोंग। 500 रुपए खर्चा करके सेंटा फेंटा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये बने स्टालिन स्टेरिंग टिफिन, ये लोग बने सेंटा फेंटा। हम सनातनी हम सेंटा फेंटा बेंटा नहीं पिए बनेंगे। एक बात बताइए, पेड़ काट करके शराब पी करके रात काली करना ये आधुनिकता नहीं है, मूर्खता है। गुरु गोविंद सिंह साहब कह के गए हैं, चिड़िया नाड़ में बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कावा। ये भैया अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी ये बनाइए, अपने बच्चों को एक तरीके से कहे गुरु गोविंद सिंह जैसा बनाइए, ये सेंटा पेंटा बेंटा मत बनाइए। भैया पटाखे से प्रदूषण होता है, गुलाल से पानी खराब होता है, तो भैया ये सेंटा बेंटा से कौन सा भैया बहुत बड़ा चमत्कार होता है? इस देश को किसी सेंटा ने आजाद करवाया है? मुगलों को किसी सेंटा ने भगाया इस देश में?
कांग्रेस ने भगाया भाई साहब, किसने भगाया? इन अंग्रेजों को किसने भगाया? किसी सेंटर ने भगाया है भाई साहब? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे देश में लड़े और अपनी कुर्बानियां दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी है, अपनी माता बहनों की कुर्बानियां दी है, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। इस देश में सेंटर कर क्या रहा है ये बताओ सबसे पहले। क्यों बनाए सेंटर? अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी बनाओ, गुरु गोविंद सिंह साहब बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, क्यों बना रहे हो? अपने बच्चों को योद्धाओं के बारे में बताओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों के सेंटर से कहीं कन्वर्ट होकर के शादी ब्याह के बाद कहीं वो सेंटा ही ना बन जाए, यूं करके पता लगा चार कील लगा करके वो सेंटा बन गए। मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने अपने परिवार, अपना देश, अपना धर्म कैसे बचेगा जब हमें अपने देश धर्म के योद्धाओं के बारे में पता होगा, अपने भगवानों के बारे में पता होगा, अपने भारत माता के बारे में पता होगा। अरे कुछ बनाओ तो भगत सिंह बनाओ ना, अपने बच्चों भगत सिंह बना करके भेजना, बिल्कुल भगत सिंह बना करके भेजो अपने बच्चों को।